मैं इस्मेल पवार पारधी समाज का हूं सर। कई सताना पीढ़ियों से ये देश में हम रहते हैं, मध्य प्रदेश पूरा हिंदुस्तान में हमारी समाज के कई करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, और कई पीढ़ियों राजा महाराजाओं की जमानों से गुलामी करी राजा महाराजाओं की, फिर ये सर राजा महाराजा हट गए, उसके बाद में सरकार आई, तो सरकार ने भी हम लोगों को ये देश में हम लोग कम से कम 10 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ इतनी जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पारधी समाज की, पर कांग्रेस पार्टी वालों ने भी हमको ना पहचाना, ना जनता पार्टी वालों ने पहचाना। ये सरकार वोट हमसे ले लेती, जीत के सरकार बैठ जाती, हम वहाँ के वहीं, और हम लोगों को आज तक कोई सरकार ने ऊपर नहीं उठाया, हम वहाँ के वहीं छपे दुबे दुबाए, और हमको सरकार तिरछी नज़र से देखती है, सम्मान नहीं करती हमारा, दूर से बात करती, जाओ जाओ तुम, किसी अधिकारी के पास जाते, किसी नेता के पास जाते, किसी मंत्री संतरी के पास दूर भगा देते हम लोगों, और वोट हमारा सरकार पूरी लेती, हमारे वोट से सरकार बनती, और हमको धुतकारा जाता है। क्यों धुतकारा जाता है? बोले कोई हमारी समाज का कोई राजनीति में है नहीं ना, कोई हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में कोई नौकरी में गांव में चौकीदार नहीं देखा मेरी समाज का कोई सरकारी नौकरी पा रहा हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? सरकार की जिसकी सरकार बनाती बनती है उनके लोगों को लेती है, आम जनता को छोड़ देती है। आप जिस समाज में हैं पार्टी समाज, हाँ, तो इनके साथ व्यवहार अलग होता है? अलग होता है। क्यों? ये क्या पता है, क्या बारे में क्या सोचते हैं सरकार? सरकार सोचती है कि ये यहाँ के यहाँ जूती हमारी गुलामी करे, ये सरकार सोचती है हमारे विषय में कि हमारी गुलामी करे, जीवन से हमारे जूते के नीचे पड़े रहे ये गरीब लोग, कभी नहीं उठना चाहिए गरीबों, ये सरकार है हिंदुस्तान की। तो अभी जीवन बसर करने के लिए क्या क्या काम करते हैं? जीवन बसर करने के लिए मजदूरी करते हैं, कचरा बीन के पेट भरते हैं, पन्नी प्लास्टिक बीन के पेट भरते, हमने सरकार का आज तक लोन नहीं देखा कि कैसा लोन होता है सरकार का। मध्य प्रदेश हमारा कसूर क्या है सरकार का? वोट हमारे से लेती है सरकार, हमसे बनती हमको भगाती, और पुलिस भी सभी लोग हमको तो परेशान करते, हमारा जीना हराम है हिंदुस्तान के अंदर, तो बहुत है अमीर तो हमारे से वोट लेके अमीरी कर रहे, पैसा पे पैसा कमा रहे, वो तो आज 200 करोड़ का मालिक है, कल 1200 करोड़ का होगा, 1200 करोड़ का है तो हजारों करोड़ का मालिक होना, ये राजनीति है सरकार की। पर गरीब तरफ नहीं देख रहा सरकार के बच्चे बच्चे गरीबों को पढ़ाना लिखाना, वो पढ़ भी लिख गए तो ये 12वीं 10वीं 11वीं हमारी समाज के बहुत लड़के हैं, तो उनको ये बेरोजगार बैठे, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, वो सरकार बोल रहे कि 25% आरक्षण, 12% गरीबों के लिए, तो गरीब का तो बच्चा पढ़ रहा, गरीब का वहाँ ही है, अमीर के लड़के नौकरी पर लग रहे। मैं ये कहने चाहता हूँ सरकार से कि देश आज़ाद 1947 में हुआ, क्या ये बड़ी अमीरी लोगों ने करा था कि गरीब ने भी करा था? ये जलिए वाले बाग में अमीर मरे थे कि गरीब मरे थे? पीढ़ियों से मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान के अंदर हम लोग कई पीढ़ियों से बेरोजगार है, हमारी कोई सरकार ने नहीं सुनी, आज तक भी नहीं सुन रही हमारे तरफ, और हमको तिरछी नज़र से सरकार देखती, अरे तुम पारधी लोग, अरे चोर लोग, चोर में जाना जाता है हमको। और विजय माल्या तो जो बैंक उसको नहीं जानते, वो अरबों खरबों रुपए हिंदुस्तान का लेके भाग गया, उसको चोर घोषित नहीं करेगा, पर ये गरीब आदमी ने कुछ हुआ किसी, ऐसा कौन सा सरकार है उसमें चोर नहीं है, ऐसी कौन सी दुनिया है उसमें चोर नहीं है, सब जात में चोर होती है, फिर एक जात को सरकार क्यों घोषित करती, कहाँ तिरछी नज़र से देखती है, कहाँ ये जात चोर घोषित, पारधी जात चोरी करते हैं जी, या पारधी हो के का राजा महाराजा हो के गरीब हो का अमीर हो, जो करेगा जो सरकार भर भोरेगा, पर हमें ही सबसे पकड़ा जाता, पर हमको तिरछी नज़र से सरकार देखती है, इस बात में कहीं भी चोरी होगी पारधी का नाम पहले आता है, पारधी जाति करते होंगे, चाहे पढ़ लिए हो तब सबके आसार सबकी नज़र से हमको देखा, सोच से कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे आगे जाके सरकार से संगठन बनाएंगे, हमारे लोगों को जो भाई संगठन में हमारे साथ देगा उनको लेके हम आगे जाएंगे, लड़ रहे धीरे धीरे, अभी थोड़ा जागरूक होते जा रहे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे हो रहा है, थोड़े जागरूक होते जा रहे, तो अब थोड़े थोड़े ज्ञान मिलता जा रहा है, तो आगे बढ़ेंगे देखो।